देश में मौसम करवट ले रहा है। कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की आशंका है। इसके साथ ही बाढ़ का भी खतरा मंडरा गया है। भारत के मौसम विभाग IMD ने मध्य भारत में अगले 24 घंटों में हल्की बाढ़ का मध्यम स्तर का अनुमान लगाया है और देश के अन्य हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय जल आयोग के आधिकारिक बाढ़ पूर्वानुमान ने IMD के फ्लैश फ्लड गाइडेंस का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और राजस्थान और दक्षिण गुजरात के आसपास के इलाकों में बाढ़ का मध्यम खतरा है। IMD ने भी 18 से 19 अगस्त और पूर्वी उत्तराखंड में 18 अगस्त को राजस्थान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात राज्य, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। 20 अगस्त को मेघालय और 19 और 20 अगस्त को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में ऐसी होगी बारिश। सक्वायमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली अनुसार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार को इस बीच भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि तेज हवाओं के साथ भारी जो बारिश है वो हो सकती है और उन्होंने कहा है कि सोमवार तक राज्य के कई हिस्सों में जो तेज हवाओं के साथ बारिश है वह होने की संभावना है, जो अब कमज़ोर पड़ गई है। झारखंड और उसके पड़ोसी इलाकों पर कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। मौसम केंद्र ने 19 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना जताई है।